السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सीरतुन नबी का ये हमारा 30वां जुमा है और पिछले जुमा को मैंने बताया था सुलह हुदैबिया का वाकिया अभी पूरा नहीं हुआ था, मुकम्मल थोड़ा सा बाकी रह गया था। लेकिन पिछले जुमा को हमने जो सुना था वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को हुदैबिया में रोक दिया गया। मुशरिकी ने मक्का के साथ अब एक मुहायदा लिखा जाना था और सुहैल जिनको मुशरिकी ने मक्का ने अपनी तरफ से भेजा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही उनको देखा तो देखते ही फरमाया कि सुहैल आ रहे हैं, अब मसला इंशाअल्लाह सहल यानी आसान हो जाएगा। अब सुहैल अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुँचे और मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान में अब एक मुहायदा लिखा जा रहा था। हज़रत अली करमल्लाह वजहहू वो उस मुहायदे को लिख रहे थे, उन्होंने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुशरिकीन मक्का ने यह कहा जो सुहैल और उसके साथ में लोग थे, बोले भाई ये रहमान कौन है, रहीम कौन है, ना हम रहमान को जानते हैं ना हम रहीम को जानते हैं, इसलिए ये रहमान और रहीम को यहाँ से कट कर दिया जाए और उसकी जगह वो लिखा जाए जो मुशरिकीन उमूमी तौर पे लिखते हैं बिस्मिकल्लाहुम्मा। हज़रत अली करमल्लाह वजहहू रहमान और रहीम को वहाँ से मिटा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखा। अब आगे हज़रत अली ने लिखा कि यह मुहायदा लिखा जा रहा है मुशरिकीन मक्का और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरमियान में, तो दोबारा से मुशरिकीन यानी जो सुहैल और उसके साथ में लोग थे उन्होंने कहा कि ये रसूलुल्लाह कौन है, अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह मान लेते थे तो फिर इतने मसले मसाइल और आपस में लड़ाई झगड़े ही नहीं होते थे। असल झगड़ा तो इसी बात का है कि हम उनको अल्लाह का बंदा मानते हैं, इसलिए उनके बारे में ये लिखा जाए कि वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। तो हज़रत अली ने चूँकि रसूलुल्लाह लिख दिया था अब वो रसूलुल्लाह को कट नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कलम दिया और अल्लाह के नबी ने जहाँ रसूलुल्लाह था उस पर कलम फेर दिया। उसके बाद फिर हज़रत अली ने आगे लिखा कि यह मुहायदा मुशरिकीन मक्का और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के दरमियान में लिखा जा रहा है। अब मुहायदा जो है वो जब लिखा जाने लगा तो उसमें मुशरिकीन की तरफ से सबसे पहली शर्त कि मुसलमान इस साल मक्का में दाखिल नहीं होंगे, अगले साल मुसलमान उमरे के लिए आएंगे, उनको मक्का में सिर्फ 3 दिन रहने की इजाज़त रहेगी,
और तलवार के अलावा मुसलमान के पास में कोई हथियार नहीं रहेगा, और तलवार भी जो रहेगी वो मियान के अंदर रहेगी, बाहर निकली हुई नहीं रहेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये शर्त हमको मंजूर है, वो शर्त लिख दी गई। दूसरी शर्त, अगर कोई मक्कतुल मुकर्रमा में मुसलमान होता है और मुसलमान होकर वो मदीने की हिजरत करता है तो मुसलमान उसको मक्का वापस भेज देंगे, लेकिन मदीना से अगर कोई आदमी मक्का आता है तो वो वापस मदीना नहीं भेजा जाएगा। हालांकि ये एकदम वन साइड शर्त है। शर्त समझ में आई क्या नहीं आई भाई आप लोगों की? शर्त एकदम समझने जैसी है। मक्का में कोई आदमी ईमान में दाखिल होता है, अब क्योंकि वो लोग उस ज़माने में हिजरत का सिलसिला तो चल ही रहा था, मक्का में जो भी नए नए लोग मुसलमान होते वो फौरन मक्का से कहाँ की हिजरत करते थे? मदीना की। लेकिन अब उन्होंने उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी कि अगर अब कोई मुसलमान होगा और वो मदीने की हिजरत करेगा तो मदीने में उसको नई एंट्री नहीं मिलेंगी। यानी ये उस ज़माने का CANRC था। क्या था उस ज़माने का भाई? समझ में आया क्या नहीं अकबर भाई? हाँ, CANRC का जो मसला है तो ये समझो, ये उस ज़माने का CANRC था कि मक्का से अगर कोई मदीने में आएगा तो तुमने यहाँ पे ये कानून नाफिस कर देना चाहिए कि उसको एंट्री नहीं होंगी, भाई आप यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, जाओ जहाँ से आए वहीं पे चले जाओ। और ऐसे ही मदीना में अगर कोई आदमी, मान लो अब चूँकि मदीने वालों के भी बहुत सारे रिश्तेदार कहाँ रहते थे? मक्का में रहते थे। अगर कोई मदीना से मक्का चला जाएगा तो फिर मक्के वाले उसको वापस नहीं आने देंगे। ये वन साइड शर्त थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो तुम एकदम वन साइड बात कर रहे हो। बोले नहीं, हमको यही शर्त लिखाना है। सहाबा इकराम ने भी कहा है अल्लाह के नबी ऐसा कैसे हो सकता है, फिर अगर है तो दोनों के लिए भी होनी चाहिए ये शर्त। बोले नहीं, हमको ऐसी ही शर्त। तो अब चूँकि देखो, मैंने आपको बताया हूँ पिछले जुमा, और जितने भी लोग आप लोग जब से सीरत सुन रहे हैं तो आप लोगों के माइंड में और जहन में ये बात होंगी, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा लड़ाई झगड़े पर सुलह को तरजीह दी। लड़ाई झगड़े पर किसको तरजीह दी भाई? सुलह को, अमन को और पीस को। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा भाई ये मसले को लेकर अगर आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इंतशार बढ़ रहा है, ठीक है भाई कोई बात नहीं है, तुम्हारी यही शर्त है ना, ठीक है लिख दो, कोई बात नहीं, हमको मंजूर है। अब मुशरिकीन ने दूसरी शर्त ये भी लिखा ली कि कोई अगर मक्का में मुसलमान होके मदीना जाता है, मदीने वाले वापस मक्का भेजेंगे, लेकिन मदीने से कोई मक्का आता है तो मक्के वाले उसको वापस नहीं भेजेंगे, ये भी शर्त लिख दी गई। तीसरी शर्त, मुसलमान, अभी ये जो मुहायदा हो रहा है मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान में, अब अगर अरब के दूसरे कबीले, क्योंकि अब जो है ये दो हिस्सों में बंट चुके हैं, एक तरफ मुशरिकीन मक्का है और दूसरी तरफ कौन है? मुसलमान है। अब इन दोनों के दरमियान में जो दूसरे छोटे छोटे कबीले हैं, वो कबीलों को इस बात का इख्तियार रहेगा, उनको इस बात का राइट रहेगा कि वो चाहे तो मुसलमानों की तरफ से हो जाए या तो फिर वो जो है मुशरिकीन मक्का की तरफ से। अब मैं आपको एकदम मोटी मिसाल देकर बताता हूँ, जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियाँ भी जो है ना अपना अपना एक फ्रंट बनाती है, भाई ये हमारा गुट है, ये हमारा ग्रुप है। जो छोटे छोटे पार्टियाँ रहते हैं स्टेट लेवल के या ज़िला लेवल के, अगर उनको चाहे तो वो हमारे इसमें आ सकते हैं। तो बहुत सारे बेचारे जो छोटे छोटे रहते, वो जो बड़े बड़े पार्टी रहते, कोई कभी इधर से चले जाता, कभी कोई उधर से चले जाता, और फिर उनका पूरा एक जो है पूरा क्या पूरा उनका अपना एक फ्रंट बनाकर या एक मुत्तहिदा महाज बनाकर, फिर वो अपना एक महाज, इनका एक अपना महाज होता है। तो आम तौर पे ऐसा होता है, ये लोग, ये बात हमारे को ख़ास तौर पे जो इंडिया में रहने वाले हैं उनके लिए ये कॉमन चीज़ है, और हम इस बात को इससे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ऐसे ही उस ज़माने में भी हुआ। अब ये दो बड़ी बड़ी पार्टियाँ खड़ी हो गई, एक तरफ कौन है? मुशरिकीन मक्का है, और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जमात है। और बाकी जो अरब के कबीले थे उनको इख्तियार दे दिया गया, भाई चाहे तो इधर से हो जाओ, चाहे तो इधर से हो जाओ। अब कबीले वाकई में भी बट गए, ऐसा नहीं है कि कबीले नहीं बटे,
बल्कि कुछ कबीले उधर से हो गए और कुछ कबीले जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे वो भी मुहाइदे के अंदर किसके साथ में हो गए? मुसलमानों के साथ में। कबीले बनू बकर, ये एक कबीला था, इन्होंने कहा कि हम मुशरिकीन मक्का के साथ में रहेंगे, मतलब हम जो है ना उस फ्रंट के अंदर रहेंगे। और कबीले बनू खिजाआ एक कबीला था, वो हालांकि मुशरिकीन थे, अभी तक ईमान में दाखिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग मुसलमानों के साथ में मुआहदे में रहेंगे, मतलब हमको मुसलमानों का की जमात में समझा जाएगा, भले हम अभी तक मुसलमान नहीं हुए लेकिन हम हैं किसके साथ में? मुसलमानों के साथ में। तो कबीले इस तरीके से तकसीम हो गए, बनू बकर जो है वो मुशरिकीन मक्का के साथ शामिल हो गए, बनू खिजाआ जो थे वो मुसलमानों के साथ में शामिल हो गए। और सुलहनामे के अंदर ये तीसरी शर्त लिखी गई कि अरब के जितने भी कबीले हैं जो जिसके साथ में दोनों में से मुआहदे में जिसके भी साथ में होना चाहे वो हो सकता है। हो गई तीन शर्तें। किसकी तरफ से थी ये तीनों शर्तें? अरे भाई बोलो ना, मुशरिकीन। माशाल्लाह हमारे बच्चों को भी समझ में आ गया। देखो मार पीछे से आवाज़ कम आ रही थी इसलिए मैं बोला थोड़ा वापस से आप लोगों से पूछूं। तीनों भी शर्तें थी कि मुसलमान इस साल उमरा नहीं करेंगे, वापस जाएंगे, अगले साल आएंगे, तीन दिन रहेंगे, बस उससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं। दूसरी शर्त, कोई भी मक्का से मदीना आए मदीने वाले वापस भेज देंगे, लेकिन मदीना से मक्का में कोई आया वापस नहीं भेजा जाएगा। और तीसरी शर्त कि दोनों के दरमियान में जो मुआहदा हो रहा है, अरब के जो कबीले हैं उनको इस बात का फ्रीडम रहेगा, जो जिसके साथ में आना चाहे वो आ सकता है। ये तीनों शर्तें किसकी तरफ से थी? मुशरिकीन की तरफ से थी। अब सिर्फ एक शर्त जो चौथी शर्त थी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से लिखाई। कितवीं शर्त भाई? चौथी शर्त। और वो चौथी शर्त क्या थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो तीनों शर्तें हो गई तुम्हारी तरफ से, अब खाली एक शर्त वो मेरी तरफ से रहेगी, और वो शर्त ये रहेगी कि तुम्हारे और हमारे, तुम्हारे और हमारे दरमियान में आने वाले 10 सालों तक कोई लड़ाई नहीं होगी। क्या नहीं होगी भाई? लड़ाई नहीं होगी। अब मुझे बताओ ये शर्त में ऐसी कोई कौन सी खास बात थी, बड़ी बात थी, कुछ बात थी क्या इसमें? मुशरिकीन ने बोले अरे इससे अच्छी शर्त तो हमारे लिए और क्या हो सकती है, बिल्कुल लिख दी जाए बोले ये शर्त, 10 सालों तक लड़ाई नहीं होगी, इसमें तो हमारा ही फायदा है, ना हमारा नुकसान होगा, ना हमारे लोग तुम्हारे साथ में लड़ेंगे, ना तुम्हारे साथ लोग हमारे साथ में लड़ेंगे, अरे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, बिल्कुल ये शर्त लिख दी जाए। किसने कहा ये बात? मुशरिकीन मक्का ने। हालांकि ये इतनी मामूली बात नहीं है, अल्लाह के नबी ने ये शर्त लगाकर उनके पैरों में बेड़ियां बांध दी। किसके पैरों में भाई? मुशरिकीन मक्का के पैरों में क्या बांध दी? बेड़ियां बांध दी। उनको समझ में ही नहीं आया ये मसला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त क्यों लगाई। हालांकि वो और क्या होने लगे इस शर्त के ऊपर? खुश होने लगे। वो तो बोलने लगे अरे इससे अच्छी शर्त क्या हो सकती है बोले हमारे लिए कि आने वाले 10 सालों तक जंग नहीं होंगी, ये तो बहुत अच्छा होगा बोले। तो शर्त में साथ में ये भी था कि सिर्फ मुसलमान और तुम्हारे बीच में नहीं, बल्कि जो छोटे छोटे कबीले मुसलमानों की तरफ से है वो भी इस पूरी शर्त में आ गए, और जो छोटे छोटे कबीले किसकी तरफ से है? मुशरिकीन की तरफ से है, वो भी सारे इसमें आ गए। मतलब ये है कि ना मुशरिकीन और मुसलमान आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, और ना ही वो छोटे छोटे कबीले एक दूसरे से लड़ेंगे जो मुआहदे में एक दूसरे के साथ में आ गए। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? पूरे कबीलों को भी साथ में ले लिया गया कि दोनों के, यानी मुआहदे में ये क्योंकि दो फ्रंट बन गए हुए हैं, दोनों भी फ्रंट के तरफ से जितने लोग हैं उनमें भी आपस में लड़ाई नहीं होगी। तो मैंने पहले ही बताया कि मुसलमानों की तरफ से कबीले बनू खिजाआ और मुशरिकीन की तरफ से कौन सा कबीला था? कबीले बनू बकर। बनू बकर वाले जो थे वो मुशरिकीन की तरफ से, उन्होंने बोले ठीक है हम इधर रहते, और अल्लाह के नबी ने उनके पैरों में ये बेड़ियाँ लगाई। अच्छा ये बेड़ियाँ लगाने का फ़ायदा क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह के नबी ने ये बेड़ी क्यों लगाई? ऐसी शर्त अल्लाह के नबी ने रख दी जो मुशरिकीन को समझ में भी नहीं आई। इस शर्त का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिजाज था वो हमेशा भी जंग को, लड़ाई को अवॉइड करने का। क्या करने का भाई?
उसको अवॉइड किया जाए, लड़ाई को, जंग को, ये सब चीज़ों को, और पूरा पीसफुल इन्वायरमेंट बनाकर उस इन्वायरमेंट का फ़ायदा उठाकर उसको दावत की मेहनत के लिए इस्तेमाल किया जाए। काय के लिए इस्तेमाल किया जाए, समझ में आई शर्त आप लोगों के? शर्त का फ़ायदा ये था, 10 साल तक लड़ेंगे नहीं, इसका मतलब अब एक मुसलमान आज़ाद है। क्या है वो मुसलमान आज़ाद, मतलब क्या है? जैसा आप लोग सीरत पहले से सुन रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हूँ कि मुसलमानों के साथ ऐसी गद्दारियाँ की गई थी कि 70-70 हुफाज को और 70-70 जो कुर्रा सहाबा थे उनको ये बोलकर मदीने से ले जाया गया कि हम हमारे कबीले में ले जाके इनके ज़रिए से लोगों को कुरान सिखाएंगे, दीन की मेहनत के लिए लगाएंगे, और बाद में उन्हीं 70 को ले जाकर उधर क्या कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। 10-10 सहाबा को ये वाकयात याद है कि नहीं है? मेरे ख्याल से 4-5 जुम्मा पहले ही मैंने बताया था तफसील से। तो पहले ये चीज़ें होती थी, लेकिन अब ये शर्त लग जाने की वजह से क्या हो गया कि एक अकेला सहाबी भी अगर किसी कबीले में जाकर तबलीग की दावत देता, दीन की दावत देता और इस्लाम की तबलीग करता, उसको भी कोई धक्का नहीं लगा सकता था। अगर कोई उसको धक्का लगाता तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती। और अरब लोगों में एक बात याद रखो, मुआहदा जो होता था ना, मुआहदा बहुत ख़तरनाक चीज़ होती थी। वो मुआहदा मतलब अरब जो थे ना, अरब, अरबों की मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ। हालांकि मुशरिकीन मक्का अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, ईमान में दाखिल नहीं हुए थे, भले कैसे भी थे, लेकिन अरबों के अंदर एक मर्तबा जो बात उनकी ज़ुबान से निकल गई वो पत्थर की लकीर हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी भाई? पत्थर की लकीर। एक मर्तबा ज़ुबान से बोल दिए, एक मर्तबा मुआहदा हो गया, अब उसकी खिलाफ वर्जी कोई भी नहीं कर सकता। मान लो अगर मुशरिकीन एक आम सहाबी के ऊपर भी अगर उस वक्त में हमला हो जाता या वो शहीद हो जाते और पूरे मुसलमान मिलकर मक्का के ऊपर अगर समझो मक्का के तरफ कूच कर लेते और हमला कर देते, तो पूरे अरब में मक्के वालों का साथ देने वाला कोई भी नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था भाई? क्योंकि तुमने क्या किया, मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। उनके नज़दीक मुआहदा और हर्फ आखिर हुआ करता था, ये सारी चीज़ें, यानी इतने वो लोग ज़ुबान के पक्के होते थे। तो अल्लाह के नबी को मालूम था कि अरब जो है एक मर्तबा जो है, यानी वो भले कैसे भी होंगे, बुत परस्त होंगे, मुशरिक होंगे, लेकिन एक मर्तबा जो बात मुआहदे में तय हो गई और एक मर्तबा जो बात लिखी गई, उस चीज़ की खिलाफ वर्जी कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने वो जो 10 साल का ज़माना था, ये जो फरमाया कि तुम्हारे और हमारे दरमियान में आने वाले 10 सालों तक क्या नहीं होंगी, जंग नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी को इनसे लड़ना झगड़ना नहीं था, जंग नहीं करना था, बल्कि पीसफुल इन्वायरमेंट बनाकर उसी इन्वायरमेंट को अल्लाह के नबी को जो है दावत की मेहनत के लिए इस्तेमाल करने का था। अब मालूम है आपको इसका फ़ायदा क्या हुआ? यह आखिरी जो चौथी शर्त अल्लाह के नबी ने अपनी तरफ से लिखाई थी, इस चौथी शर्त का फ़ायदा क्या हुआ ये मालूम है क्या भाई आपको? इस चौथी शर्त का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि ये सुलहनामा जब लिखा जा रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से लेकर, तो ये सुलहनामा जब लिखा जा रहा था उस वक्त तक, अल्लाह के नबी को कितने साल हो गए थे टोटल नबी बन के? 13 साल मक्के के। कितने साल भाई? 13 साल मक्के के। और ये सन 6 हिजरी का वाकिया है। कितने हिजरी का? 13 और 6 कितने हो रहे हाजी साहब? 19 साल, 20 साल पकड़ के चलो, मोटा मोटा आंकड़ा 19-20 साल भी अगर हम पकड़ते हैं, तो मतलब नबी बनकर आपको जो 19-20 साल का ज़माना हुआ था, इतने दिनों में जितने लोग मुसलमान हुए थे, ये मुआहदा लिखने के बाद एक ही साल में मुसलमानों का फिगर डबल हो गया। कितना हो गया भाई? डबल हो गया। डबल क्यों हुआ? डबल किस वजह से हुआ? डबल इस वजह से हुआ क्योंकि अल्लाह के नबी ने मुशरिकीन के साथ में कितने साल का मुआहदा किया था? अब जब 10 साल का मुआहदा हुआ तो अल्लाह के नबी फौरन काम में लग गए। ये जो पीसफुल इन्वायरमेंट था, उस इन्वायरमेंट का फ़ायदा उठाकर अल्लाह के नबी ने सहाबा की जमातों को धड़ाधड़ भेजना शुरू कर दिया, जाओ फुलाने कबीले के सरदार के पास और उसको इस्लाम की दावत दो। दो दो सहाबा को रवाना कर दिया। क्यों? इसलिए कि आप जानते थे अब जो पीसफुल इन्वायरमेंट है, अगर मेरे 2 सहाबा भी है तो उनको भी कोई नज़र उठा के देख सकता है क्या भाई? नहीं देख सकता है। अब 2-2 सहाबा मेहनत के लिए निकल गए, और उसके अलावा
अब इंटरनेशनल लेवल पे तबलीग होने लगी। कहां पे तबलीग होने लगी? इंटरनेशनल। अब तबलीग अल्लाह के दीन की जो मेहनत थी, दावत की और जो इस्लाम की तबलीग जो हो रही थी, अभी तक तो आप मक्का और मदीने के भी बाहर नहीं निकल सकते थे। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों के? यानी आपस में जब जंगे हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उस वक्त में जो हिजाज है, मक्का और मदीने के दरमियान का जो हिस्सा है उसको हिजाज कहते हैं, उसके भी बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन अब 10 साल की जो आपने उनके साथ में मुआहदा कर लिया, तो 10 साल का मुआहदा मतलब ऐसा था कि आपके लिए अब जो है ना इंटरनेशनल लेवल के भी दरवाजे क्या हो गए? ओपन हो गए, सारे पूरे पूरी दुनिया के दरवाजे खुल गए। और उसी का फायदा उठाकर, ये असल में ये आगे आने वाले हैं ये सारे डिटेल्स जो अल्लाह के नबी ने दूसरे मुल्कों के बादशाहों को तबलीग के खतूत लिखे थे। लेकिन मैं आपको अभी मिसाल देने के लिए बता रहा हूँ कि तीनों शर्तें अल्लाह के नबी ने उनकी मानी और अपनी कितनी शर्तें लिखने लगाई? एक ही शर्त। और वो शर्त भी कैसी थी जिसको सुन के मुशरिकीन क्या कर रहे थे? हंस रहे थे। अरे ये तो बहुत अच्छी शर्त है, बोले इससे तो हमको कुछ नुकसान ही नहीं है, 10 साल तुम्हारे और हमारे बीच में जंग नहीं होंगी, मतलब ये तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उनको ये मालूम ही नहीं था कि ये शर्त लगा कि अल्लाह के नबी ने उनके पैरों में क्या डाल दी? बेड़ियां डाल दी। और जो मैंने अभी बताया, उस एक शर्त की वजह से जो 19 और 20 साल में लोग ईमान में दाखिल हुए थे, उसके बाद कितने दिनों में दाखिल हुए? कितने दिनों में? एक साल में। कितने दिनों में? एक ही साल के अंदर। जो 19-20 साल में आपको नबी बनने के, 13 साल मक्का के, 6 साल मदीना के, जो 19-20 साल के अंदर लोग ईमान में दाखिल हुए, ये शर्त लगाने के बाद जब दावत के दरवाजे खुल गए और अल्लाह के नबी ने खतूत लिख दिए एकदम ईरान के बादशाह को और शाम के बादशाह को, यहाँ तक के यूरोप के बादशाह को भी खत लिखा जाए, बोले अल्लाह के नबी ने दूर दूर, अल्लाह के नबी ने जो है सहाबा को भेज दिया, यमन हबशा चारों तरफ फैला दिया ये शर्त लगाने के बाद में। और मुशरिकीन क्या कहने लगे? ये तो बहुत अच्छी बात है, बोले हमारे लिए। अब जो दूसरी शर्त मुशरिकीन ने लगाए थे, कितवी शर्त भाई? कौन सी शर्त थी दूसरी? दूसरी शर्त ये थी कि मक्का में कोई ईमान में दाखिल होकर अगर मदीने में जाता है तो उसको मुसलमान क्या करेंगे? वापस भेज देंगे। और मदीना से अगर कोई मक्का जाता है तो उसको वापस भेजा जाएगा क्या? अच्छा, ये जो सुलहनामा है या ये जो मुआहदा है, अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था, ये मुकम्मल भी नहीं हुआ था। देखो मुकम्मल कब होता है? जब उस पर दोनों पार्टियों के क्या हो जाते हैं? दस्तखत हो जाते हैं। अच्छा, वो ज़माने में सिक्का भी था ना, ऐसा नहीं था। स्टैंप जिसको बोलते, अल्लाह के नबी की जो मुहर थी, मुहर जो थी वो भी उस ज़माने में थी। ऐसा नहीं अल्लाह के नबी की जो बातें थी वो खाली ऐसी ही थी बोल के। जो अल्लाह के नबी की मुहर थी, मुहर भी थी, आपके पास एक चांदी की अंगूठी थी जिसके ऊपर आपकी मुहर थी, और उसी मुहर का जो है आपने देखे होंगे बहुत सारे खतूत आज भी अल्लाह के नबी के किताबों के अंदर मिलते हैं, उसके अंदर आपको वो मुहर का भी नक्श मिलेगा। वो मुहर भी थी अल्लाह के नबी के पास। तो अभी वो मुआहदा मुकम्मल भी नहीं हुआ, वही सुहैल जो मुआहदा लिख रहे थे मुशरिकी ने मक्का की तरफ, उनके बेटे जिनका नाम हज़रत अबू जुंदल था, क्या नाम था भाई उनका? हज़रत अबू जुंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनको ईमान में दाखिल होने की वजह से यही बाप सुहैल ने उनके हाथों में, पैरों में बेड़ियां डालकर उनको कैद खाने में कैद कर दिया था। अब पूरे मक्का के लोग, उनका पूरा ध्यान तवज्जो इस वक्त अल्लाह के नबी की तरफ था कि भाई मुसलमान उधर क्या कर रहे हैं और पता नहीं एग्रीमेंट और मुआहदे में क्या होने वाला है, उसका फ़ायदा उठाकर ये हज़रत अबू जुंदल जो थे, इन्होंने क्या किए? इन्होंने देखे कि कोई दिख रहा नहीं, दरवाजे में से निकले वो और वहीं से जो है भागते हुए वो मुसलमानों के साथ वहाँ पे मुसलमानों के पास में पहुँच गए। उनको पता चला हुदैबिया जो है बिल्कुल मक्का को लगकर है। कहाँ पर है भाई? बिल्कुल मक्का को लगकर। आप कभी हज के लिए गए तो हरम के आजू बाजू वो टैक्सी वाले ले जाते हुदैबिया, एक मरतबा ज़रूर जाके आना। हुदैबिया बिल्कुल मक्का को लगकर है। वो पैदल पैदल हुदैबिया तक चले गए। अब वो जब हुदैबिया में पहुँचे तो सुहैल ने कहा कि हम इनको तुम्हारे साथ में नहीं आने देंगे। अब वो रोने लगे। सहाबा इकराम जो थे वो भी जोश में और तैश में आ गए। उन्होंने कहा कि इन पे इतने जुल्म किए जा रहे हैं, पूरे बदन पे बेड़ियां बांधी हुई है और ये किसी तरह से कैद से भागकर यहां तक आए हैं, ऐसा कैसा हम इनको मक्के वालों के हवाले कर देंगे, हम इनको साथ में लेकर चलेंगे।
सुहैल ने बोला नहीं, शर्त में लिखा जा चुका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बोले भाई शर्त में लिखा जा चुका है लेकिन अभी तक दोनों पार्टियों के क्या नहीं हुए, दस्तखत नहीं हुए, इसके ऊपर अभी तक हमारी मुहर नहीं लगी। बोले नहीं कुछ नहीं, बोले शर्त में लिखा जा चुका है। अब अल्लाह के नबी हज़रत अबू जुंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँखों से आंसू बह रहे हैं और अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है भाई इनको लेके जाओ। अब सुहैल जो है वो अपने बेटे को मारते हुए ले जा रहे हैं। हज़रत अबू जुंदल बार बार पीछे पलट के किसकी तरफ देख रहे हैं, मुसलमानों की और अल्लाह के नबी की तरफ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए अल्लाह के नबी के सामने और उन्होंने आके कहा, बोले आए अल्लाह के नबी, क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? अल्लाह के नबी ने कहा कि आए उमर, बेशक मैं अल्लाह का क्या हूँ, सच्चा नबी, सच्चा रसूल हूँ। क्या इस्लाम सच्चा मज़हब नहीं है? बोले उमर, इस्लाम भी सच्चा मज़हब है। क्या हम जो मुसलमान हैं हमारे इस्लाम में और ईमान के अंदर कुछ कमी है? बोले आए उमर, ऐसा भी नहीं है। तो बोले फिर आए अल्लाह के नबी, क्या ज़रूरत थी आपको डरने की? काहे की भाई? अरे भाई बोलो ना, आपको ज़रूरत क्या थी डरने की? जो आपने सुहैल के साथ में अबू जुंदल को वापस भेज दिया, आपने उनको हमारे साथ में रोकना चाहिए था, जो होता था वो हम देखते थे। लेकिन चूंकि हज़रत उमर जो है वो अल्लाह के नबी के क्या थे, सहाबी थे। क्या थे भाई? वो सहाबी थे। और नबी कौन थे? अल्लाह के नबी वो नबी थे। कुरान की आयतें नाजिल हुई और अल्लाह ने फरमाया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। इस सुलहनामे को और इस मुआहदे को अपनी हार मत समझो, तुम्हारी हार नहीं है ये, बल्कि इसी में अल्लाह ने तुम्हारे लिए किसको छुपा के रखा है भाई, कामयाबी को। ये फतेह मुबीन है तुम्हारी। और जो फतेह मुबीन मैंने बताया ना अभी आपको कि चौथी शर्त अल्लाह के नबी ने जो लिखाई, उनके पैरों में बेड़ियां बांध दी और पूरे इलाके को दावत की मेहनत के लिए क्या कर दिया आपने, अपने लिए जो है आज़ाद करा लिया। कुरान ने फरमाया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारी हार, ये तुम्हारी शिकस्त, ये तुम्हारी नाकामी नहीं है, बल्कि यही तुम्हारी क्या है भाई, अरे भाई बोलो ना, ये तुम्हारी कामयाबी है, ये फतेह मुबीन है तुम्हारे लिए। सहाबा कहने लगे आए अल्लाह के नबी, ये कैसी फतेह मुबीन है, मक्का सामने है, वहाँ नहीं जा सकते, मक्का सामने है और वहाँ पर नहीं जा सकते, और एक मुसलमान होकर वहाँ से आए हैं, उनको हम अपने साथ में नहीं रख सकते। हालांकि मैंने पिछले जुमा बताया था मुसलमानों की तादाद 4400 थी। कितनी थी भाई? 4400 थी सहाबा की तादाद। फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो सहाबा थे उनको सब्र और तहम्मुल का हुक्म दिया और कहा कि कुरान में जब अल्लाह ने फरमाया ये हमारे लिए फतेह मुबीन है, तो ये फतेह मुबीन है। अब फतेह मुबीन कैसे थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो हज़रत अबू जुंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको वापस लेकर गए, इनके जैसे ही एक और सहाबी थे जिनका नाम था हज़रत अबू बसीर, वो भी मक्का में मुसलमान हुए। मक्के वालों ने उनको क़ैद किया तो वो मक्का से भाग कर मदीना अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुँच गए। बोले आए अल्लाह के नबी, मैं जो है मुसलमान होकर आया हूँ। अब जैसे ही वो अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुँचे तो दो सरदार मुशरिकीन के वो भागते भागते जो है वहाँ मदीना पहुँच गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको लेने के लिए आए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है लेके जाओ। क्यों? इसलिए कि काय में लिखा हुआ था, मुआहदे में। अब चूंकि अल्लाह के नबी तो कौल व करार के पाबंद थे, आपने कहा लेके जाओ। अब वो दोनों उनको लेकर निकले तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, आप जानते नहीं मैं कैसे कैसे तकलीफ़ों, मुसीबतों, परेशानियों को उठा कर यहाँ पर पहुँचा हूँ। खैर, वो जब हज़रत अबू बसीर को ले जाने लगे, उन्होंने उन दोनों में से एक की तलवार लेके रास्ते में एक का काम ख़त्म कर दिया और भागते हुए जो है वो उनमें का जो एक बच गया था वो मदीना में आया अल्लाह के नबी के पास भागते भागते, और तलवार हज़रत अबू बसीर के हाथ में थी। वो जैसे ही आया अल्लाह के नबी के पास, बोले आए अल्लाह के नबी, मुझे बचाइए, ये अबू बसीर जिनको हम वापस ले जा रहे थे इन्होंने हमारे एक साथी को कत्ल कर दिया। उनके हाथ में तलवार थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारी वजह से वापस से मुशरिकी ने मक्का और मुसलमानों के दरमियान में और लड़ाई का अंदेशा है, तुम वापस चले जाओ। हज़रत अबू बसीर ना वो मक्का वापस आए ना मदीना रुके, बल्कि वो चले गए समंदर के किनारे। कहाँ चले गए भाई? समंदर के किनारे। अब क्या हो गया,
क्योंकि मुआहिदा तो ऐसा था, अब जो भी मक्के में मुसलमान होता उसको मालूम था अगर मैं मदीने में जाऊंगा तो वापस मुझे कहाँ भेजेंगे, मक्का भेजेंगे। वो सीधा कहाँ चले जाता, समंदर के किनारे हजरत अबू बसीर के पास। अब ये ऐसे जितने भी लोग थे, होते 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 इनकी भी एक बहुत बड़ी क्या हो गई वहाँ पे, जमात तैयार हो गई। इन्होंने बोले ये मुशरिकीन अपने को मक्का नहीं आन दे रहे ना, इनको देखेंगे बोले अब अपन। अब ये मुशरिकीन के जो काफ़िले मुल्के शाम जाते थे उन्होंने उन्हीं को लूटना शुरू कर दिया, उनका रास्ता ही बंद कर दिया। मुशरिकीन ने अल्लाह के नबी को ख़त लिखा और बोले आए अल्लाह के नबी, ये जो बेसरी जमात है हम लोग इनसे परेशान हो चुके हैं, आप इनको ख़त लिखो और इनको भी कायमे शामिल कर लो, मुआहदे में शामिल कर लो। जब अल्लाह के नबी ने ख़त लिखा और वो ख़त हज़रत अबू बसीर के पास में पहुँचा तो वो बीमारी की वजह से आखिरी वक्त में थे, उन्होंने हज़रत अबू जुंदल को जो है उनका अमीर बनाया, सारे लोगों का ज़िम्मेदार बनाया और फिर वो पूरी जमात वापस मदीना अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुंची और वो सारे लोग भी फिर बाद में कायमे दाखिल हो गए भाई, मुआहदे में दाखिल हो गए। ईमान में तो वो पहले से ही दाखिल थे, इसीलिए तो समंदर के किनारे चले गए थे क्योंकि वो उनको जो है मक्का आने ही नहीं दे रहे थे। अब इंशाल्लाह अगले जुमा को फतेह मक्का का जो है वो वाकया तफसील से बयान होगा। आप तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वक्त पे पहुंचने की फ़िक्र और कोशिश करें। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाएं।